अब बीएमसी चुनाव को लेकर खिंची तलवारें। बीएमसी चुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या शिवसेना की फूटा से बीजेपी को होगा फायदा? अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार हटा लिया है। बीजेपी के इस कदम से शिवसेना के उद्धव गुट के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। क्या बीएमसी चुनाव भी उद्धव ठाकरे गुट के लिए इतना ही आसान होगा? क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को आसानी से जीतने देंगे? शिवसेना के बंटवारे से उद्धव को नुकसान। शिवसेना अब आधिकारिक तौर पर दो खेमों में बंट चुकी है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट को अलग अलग नाम और सिंबल भी दे दिया है। बीएमसी की जंग में एकनाथ और उद्धव ठाकरे में से कौन विजेता बनेगा, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन बीजेपी जरूर सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। शिवसेना में बंटवारे के बाद एकनाथ और उद्धव गुट के बीच मराठी वोटों में बड़ा बंटवारा होने की संभावना है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की संभावना है। कितना चलेगा मराठी मानुस का कार्ड? शिवसेना में बंटवारे के बाद से उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ चुकी है। मराठी मानुस कार्ड को शिवसेना के लिए तुरुप का इक्का माना जाता है। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के प्रचार के दौरान भी उद्धव गुट ने इसे चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। आगामी बीएमसी चुनाव में मराठी मानुस कार्ड से उद्धव ठाकरे गुट को फायदा होगा, इसे लेकर भी संशय है। जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे से सीधी टक्कर के बजाय एकनाथ शिंदे को आगे करती है तो मराठी मानुस कार्ड का चलना पाना मुश्किल होगा। इससे हिंदुत्व पर कंफ्यूजन। शिवसेना में बंटवारे से शिवसैनिक भी कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। एक दौर था जब बाला साहेब ठाकरे के आह्वान पर शिवसैनिक हिंदुत्व और मराठी मानुस के नाम पर सड़कों पर उतर जाते थे, लेकिन अब उद्धव नए हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का नया हिंदुत्व शिवसैनिकों और आम लोगों को कितना पसंद आता है, ये बीएमसी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी को फायदा ही फायदा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच मराठी वोटों के विभाजन से बीजेपी को फायदा होने की संभावना है। शिवसेना में फूट से नाराज मराठी वोटर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में मराठी मानुस की राजनीति भी हिंदुत्व के एजेंडे में ही समाहित हो सकती है। यही बीजेपी की कोशिश भी है, जिसके जरिए वो मराठियों के अलावा प्रवासी नागरिकों को भी साधती रही है।